आयुष्मान भारत दिवस के मौके पर लोगों को आयुष्मान योजना संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से सोलन जिला की शलोगड़ा पंचायत में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी उपस्थित रहे। सोलन के सलोगड़ा में आयुष्मान भारत दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल विशेष रूप से उपस्थित हुए। इसके अलावा सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय में भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य विभाग से आए अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर इसके और अधिक प्रचार प्रसार की बात कही, ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ लेकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जो कि आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं, ताकि उन्हें इलाज में मिलने वाली सुविधाओं से लाभ हो और स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे। देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो देश का स्वास्थ्य ठीक होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के मुताबिक हमारे देश के अंदर प्रति वर्ष तकरीबन 20 लाख युवा लोग जो हैं 18 से 30 आयु वर्ग के, उनकी मृत्यु जो है विभिन्न बीमारियों के कारण से हो जाती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जो है हमारा दृष्टिकोण जो है वो किस प्रकार का है। आयुष्मान भारत, इसमें ये दो भागों में है। एक तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, 5 लाख रुपए तक का जो है वो राहत जो है उसमें दिया जाना, गंभीर बीमारी से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है 10 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत लाने का लक्ष्य, और तकरीबन 50 करोड़ लोग जो हैं इस योजना के तहत आएंगे, उनको इससे लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।